यवतमाल जिले के दीगरा शहर में इन दिनों पालिका प्रशासन द्वारा घर टैक्स नल टैक्स की वसूली जारी है। ऐसे में पालिका प्रशासन द्वारा कई लोगों को टैक्स की भारी भरकम राशि वाली रसीदें जारी किए जाने से लोग हैरान हैं। इस संदर्भ में NBCN संवाददाता जुबेर खान ने पालिका मुख्य अधिकारी से वार्तालाप कर लोगों की समस्या के समाधान पर बात करते हुए लोगों में टैक्स को लेकर संभ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया है। दिग्रह शहर की नगर पालिका अपनी बिगड़ैल कार्य प्रणाली की बदौलत हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। इस बार टैक्स वसूली के नाम पर पालिका का अजब गजब रवैया शहर की जनता के लिए परेशानी का नया सबब बन गया है। कई लोगों को पालिका ने घर टैक्स, दुकान टैक्स, नल टैक्स की रसीदें थमा दी है, जिस पर अंकित भारी भरकम राशि का आंकड़ा देख कर सामान्य लोगों के पसीने छूट रहे हैं। कईयों को बीते 5 से 7 सालों में पहली बार टैक्स की हजारों रुपए की राशि देख कर वे हैरान हो चुके हैं। इस बार भारी भरकम टैक्स की अदायगी को लेकर जारी संभ्रम उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। नगर पालिके बद्दल मला एवढंच बोलायचं आहे, मी वारंवार इथे येत असतानाही मला त्यांनी एकही आजपर्यंत बिल दिलेलं नाही आहे, घर टॅक्स नाही किंवा नळ पावतीचं नाही। मी नेहमी इथे येऊन त्यांना विचारत होतो, त्यांना मागत होतो, पण त्यांनी एकदाही माझ्याकडे ते लक्ष केलेलं नाही आहे। आणि एकदमच त्यांनी मला 9,500 बिल पाठवलेलं आहे, ते मी तुम्हाला दाखवत आहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पालिका के टैक्स को अदा करना हर शहरवासी का फर्ज है, लेकिन टैक्स वसूली की सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए पालिका ने शहर भर में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं उन पर लोगों को तत्काल पालिका की दुकानों में किराए से कारोबार चलाने वालों को टैक्स चुकाने की हिदायत के साथ ही टैक्स चुकाने में विलम्ब करने पर दुकानों को सील करने और घर टैक्स और नल टैक्स समय पर अदा नहीं करने पर लोगों के नामों को अखबार में प्रकाशित करने की एक तरह से सूचनानुमा धमकी दी गई है। इसलिए पालिका प्रशासन को सलाह है कि लोगों को कड़ी चेतावनी देने से पहले पालिका प्रशासन खुद अपने कार्य प्रणाली को दुरुस्त करे और लोगों को भारी भरकम आंकड़ों वाली गैर वाजबी टैक्स की रसीदें देना बंद करे। बहरहाल इस पूरे मामले पर NBCN ने पालिका के मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनावने से बात की, तब उन्होंने अपनी प्रशासकीय जिम्मेदारी का परिचय देते हुए लोगों में टैक्स को लेकर जारी संभ्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों को टैक्स अदायगी से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। सध्या दिग्रह शहरांमध्ये विभिन्न कर आकारणी नगरपालिकेकडून करण्यात आलेली जी आहे तर त्याची म्हणजे वसुली सुरू आहे, पण काही लोकांना भरमसाठ टॅक्स आल्याने ते सध्या दांदरलेले आहे, त्यांच्यामध्ये संभ्रम दिसत आहे। तर काय अपील करणार, काय सांगणार आपण लोकांना? मी याद्वारे नागरिकांना अपील करतो की ज्या नागरिकांना चुकीचे बिलं गेलेली आहेत किंवा त्यांना वाटत आहे की चुकीचे बिल आलेले आहेत, अशा नागरिकांनी कर विभागात संपर्क साधावा, आपल्या बिलाची दुरुस्ती करून घ्यावी किंवा तसेही या करायला निदर्शनास आणून द्यावे। आणून दिल्यानंतर त्या रकमेची चौकशी करण्यात येईल किंवा सदर बिलाची चौकशी करण्यात येईल आणि त्यानंतरच नियमानुसार त्यांची जेवढी काही देणे असेल अशाच रकमेची वसुली करण्यात येईल। त्यामुळे नागरिकांनी एकदम चुकीचे बिलं आले म्हणून एकदम घाबरून जाऊ नये, तर सदर बिलाची शहानिशा करून घ्यावी नगरपालिकेमार्फत आणि त्यानंतरच शहानिशा झाल्यानंतरच या कार्यालयामार्फत त्या नेमकी रक्कम किती आहे अशाच रकमेची मागणी आपल्याकडे करण्यात येईल आणि तशी वसुली करण्यात येईल। कुल मिलाकर देखा जाए तो टैक्स अदा करना नागरिकों का फर्ज है, जिसका जिम्मेदारी के साथ निर्वहन जरूरी है। वहीं पालिका प्रशासन को भी चाहिए कि वो अपनी कार्य प्रणाली और टैक्स वसूली की प्रक्रिया में तत्काल सुधार करे, ताकि टैक्स वसूली में जनता से शिकायतें नहीं उन्हें सहयोग मिल सके। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रह से जुबैर खान की रिपोर्ट।